दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। 22 फरवरी से 27 फरवरी तक बिहार पुलिस सप्ताह 2021 मनाया जा रहा है। नालंदा जिले में भी पुलिस सप्ताह के मौके पर नालंदा पुलिस द्वारा पुलिस और पब्लिक के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित करने के लिए कई तरह के सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, ताकि इस कार्यक्रम के जरिए पुलिस और पब्लिक के बीच मित्रवत संबंध स्थापित किया जाए। इसी कड़ी में नालंदा पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार विहार थानाध्यक्ष दीपक कुमार के नेतृत्व में आज नालंदा पुलिस के द्वारा मैराथन दौड़ प्रतियोगिता यानी रन फॉर पीस का आयोजन किया गया। इस दौड़ प्रतियोगिता में जिले के तमाम प्रतिभागियों ने भाग लिया। मैराथन दौड़ में सुबह 6 बजे से करीब 300 से अधिक युवाओं ने भाग लिया। इस मौके पर प्रतिभागियों ने 7 किलोमीटर की दूरी तय कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन बिजवन पर से उपरौरा चेक पोस्ट तक किया गया। इस मौके पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। मौके पर कार्यक्रम के अतिथि नालंदा जिले के अपर पुलिस अधीक्षक अजय कुमार, विहार शरीफ अनुमंडल पदाधिकारी संजय सिंह, विहार शरीफ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डॉक्टर मोहम्मद सिबली नोमानी, विहार थाना अध्यक्ष दीपक कुमार, दीप नगर थाना अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक समेत अन्य पुलिस पदाधिकारियों ने प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को साइकिल देकर पुरस्कृत किया गया, जबकि प्रथम 20 सफल प्रतिभागियों को समय की अहमियत को बताते हुए घड़ी भेंट किया गया तथा इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया गया। यानी नालंदा पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार बिहार पुलिस सप्ताह के मौके पर पुलिस को पब्लिक फ्रेंडली बनाने के लिए नालंदा में तरह तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, ताकि पुलिस और पब्लिक के बीच मित्रवत संबंध स्थापित हो सके। और इसी कड़ी में आज विहार थाना अध्यक्ष दीपक कुमार के नेतृत्व में मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। आप तस्वीर के माध्यम से देख रहे हैं कि किस तरह से प्रतिभागी अपने प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे बिहार में अभी हम लोगों का ये पुलिस सप्ताह मनाया जा रहा है, उसी के अंतर्गत आज हम लोगों ने पीस फॉर रन जो है का आयोजन किया गया है। उसी में हम लोग शुरुआत की जा रही है, लोगों ने काफ़ी उत्साह दिखाया है और काफ़ी आप देख रहे होंगे प्रतिभागी यहाँ पर हैं और हम लोग उसके लिए कुछ प्रतियोगिता रखे हैं और कुछ इनाम देने के लिए भी घोषणा की है। काफ़ी लोग उत्साहित है और काफ़ी लोग भाग लिया है। क्या मैसेज जाएगा इससे? मैसेज एकता का जाएगा। हम लोग एक विश्वास पब्लिक के बीच में जुड़ाव है, एक किसी के बहाने एक सप्ताह के बहाने हम लोग पब्लिक को जुड़ने का एक मौका मिलता है। जब आते हैं हम लोग साथ एक आयोजन होता है तो अच्छा लगता है। ये नालंदा पुलिस के द्वारा ये एक आयोजन किया गया, इसमें आप सभी प्रतिभागी, मीडिया के हमारे सभी मित्रगण और जितने भी लोग इसमें शामिल हुए हैं, सबको सबसे पहले नालंदा पुलिस की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ साथ जो इस रन फॉर पीस कार्यक्रम में जिन लोगों ने पार्टिसिपेंट्स हैं, कुछ लोगों को हम लोगों ने सेलेक्ट करके कुछ विशेष पुरस्कार और फिर कुछ और विशेष पुरस्कार, फिर सांत्वना पुरस्कार और फिर जितने भी प्रतिभागी लोगों ने इस रन फॉर पीस कार्यक्रम में भाग लिया है, सब लोग बधाई के पात्र हैं। और इस आयोजन से हम लोगों के बीच जो पुलिस पब्लिक के बीच जो कोऑर्डिनेशन है और पुलिस के प्रति, नालंदा पुलिस के प्रति जैसे आप लोगों का सहयोग, आम जन मानस के सहयोग से नालंदा पुलिस सभी क्षेत्रों में हम लोग अपराध विधि व्यवस्था और जनता का जो सहयोग आप लोगों का हम लोगों को प्राप्त होता है, इसी तरह हम लोग इस आयोजन के शुभ अवसर पे हम लोग ये कामनाएं करना चाहता हूँ कि इसी तरह सहयोग आम जन का मिलता रहे, जिससे नालंदा पुलिस अच्छे से अच्छा काम करे और साथ साथ हमारे ज़िले के साथ साथ हमारे राज्य और पुलिस मुख्यालय के जो दिशा निर्देशन में हम लोग कार्य कर रहे हैं उसमें हम लोग सफल हों। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं।
अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सब...